अरे नए घर की मम्मी थे तू आएगा ना? अरे बाबा हम गरीब लोग हैं, हमको कौन बुलाता है? मैं जो बुलाने आई। तू होती कौन है? पैसा तो जगत नारायण की गांठ से लगा, न्योता देने ही आ गई। नहीं शंकर, वो काम में होंगे शंकर। हाँ तू आ गई है सज्जत दिखाने मुझको। नया मकान बनाया, बड़े शान की बात है। तूने अच्छे कपड़े पहन रखे, ये भी बड़े शान की बात है। जब शंकर मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। हाँ घर पहुंच के एक चिट्ठी जरूर लिख देना मुझको। तू जलता है। ये क्या, इन्हें उतार उतार के क्यों फेंक रही हो? अच्छे नहीं लगते, आदत नहीं है ना। बुआ तुम रो रही हो, शंकर से मिलने गई थी? मुझे क्या पड़ी है उससे मिलने की। अच्छी बात है, तो मैं भी ये सब उतार देती हूँ। नहीं पुष्पी, ऐसा ना कर, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मेरे लिए तू अपनी खुशी क्यों खराब करती है? मेरी खुशी को अपनी खुशी से अलग समझती हो? नहीं ले, ले मैं नहीं आती। तो फिर चल, तुम यहां बैठो, मैं पानी लाती हूं। यही मकान है ना? जी हाँ। सुनो तो, ये लाला जगत नारायण का मकान है ना? हाँ हाँ मैं ही तो हूँ लाला जगत नारायण। आप कौन? नमस्ते, मैं हूँ श्याम सुंदर। मेरी चिट्ठी आपको मिली होगी। आप हैं? आइए आइए बैठिए। आप तो भीग गए, बाहर क्या बारिश हो रही है? जी ये बारिश आसमान से नहीं, छत से हुई है। छत से? समझा। पुष्पा मारो, जल्दी नीचे आओ। अरे कहां मर गई तुम दोनों? पुष्पा क्या है पिताजी? इन पर पानी तूने फेंका है? मैं पूछता हूं किसने फेंका है पानी? मुझे क्या मालूम था ये नीचे खड़े हैं। तो तूने फेंका? कोई बात नहीं, ये तो भी सूख जाएंगे। ये मेरी लड़की है पुष्पा, और पारो मेरी बहन है, दोनों एक ही उम्र की हैं। ये तुम्हारे नए मास्टर हैं, नमस्ते करो। नमस्ते। ये जूते तुमने क्यों नहीं पहने? काटते हैं ना एड़ियों पर। पहनो इन्हें। ये दोनों एकदम जंगली हैं, बिल्कुल जंगली हैं, और आपको इन्हें पढ़ाना होगा, सलीका सिखाना होगा, वरना ये ऐसी फुहड़ और गंवार रही तो कोई भी शरीफ लड़का इनके साथ शादी नहीं करेगा। जी पिताजी, मास्टर जी के लिए नए कपड़े ले आऊं? नहीं नहीं, आप फिक्र न कीजिए, मेरे पास कपड़े मौजूद हैं, मैं बदल लूंगा। बिल्कुल ठीक। पुष्पा मास्टर जी को इनका घर दिखा दो। चलिए जाओ, चलिए ना। जाओ जाओ। संभालते हैं।